गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज अ डिफिकल्टी लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल ऑन पेज 159 क्वेश्चन नंबर 23। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 बाय एक्स पावर 12 इनटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कॉस एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 इनटू कॉस एक्स पावर 4 बाय 4। अब ये जो x पावर 12 है, ये x पावर 12 जब तक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, तो जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एडजस्ट नहीं होगा, वो भी साइन थीटा अपॉन थीटा वाले फॉर्म में, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि x टेंस टू जीरो है। यदि अकेला रहा ये x पावर 12 तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो कोशिश करते इसको कन्वर्ट करने की। काफ़ी सोचने के बाद एक चीज समझ में आती है, ये दोनों टर्म में से कॉस एक्स पावर 4 बाय 4 यदि कॉमन ले ले विथ माइनस साइन, तो माइनस कॉस एक्स पावर 4 बाय 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 1 और यहाँ से बाहर आ गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस कॉस एक्स पावर 4 बाय 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस एक्स पावर 4 बाय 4। तो ये दो टर्म का काम हो गया। अब यहाँ इसको हम एक ऐसा ब्रैकेट मान सकते हैं टर्म में। नाउ दिस एंड दिस आर सेम, तो इसको कॉमन ले लेते, ये कॉमन ले लिया तो यहां रह गया 1 माइनस कॉस एक्स पावर 4 बाय 4। अब ये प्रोडक्ट में आ गई टर्म्स, 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है, उसका फॉर्मूला लगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पर भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 इंटू 2 4 कॉन्स्टेंट है लिमिट के बाहर, और इसको रीराइट कर लेते साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स पावर 4 बाय 8, और ये जो एक्स पावर 12 है ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, कभी कभी एकदम से सोचना शुरू करते हैं तो सही लाइन मिल जाए ज़रूरी नहीं, लेकिन यदि वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो फिर से रीथिंक करना ज़रूरी हो जाता है। हाँ ये हो जाए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। पेज 158 वन का 13, पेज 158 वन का 13। ठीक है,
लिमिट 3 पावर साइन एक्स, तो डिनोट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 पावर साइन एक्स माइनस 1 का पावर 3 अपॉन 3 पावर एक्स माइनस 1 इंटू 10 एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स। पहले फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या लगता है। ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लगेगा फॉर्मूले की लिस्ट, ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू लॉग ए, ठीक है। फिर लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, हाँ देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ पेज 158 क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहां पर सभी कुछ है लगभग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिख रहा है, लॉग फंक्शन भी दिख रहा है और पावर भी दिख रहा है, सभी कुछ है। तो इसको यदि a पावर x माइनस 1 के हिसाब से सोचें, तो a पावर x माइनस 1 अपॉन x चाहिए, मतलब ये जो पावर है ये पावर डिनोमिनेटर में चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में। एक तो ये रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। दूसरा देखो 3 पावर x माइनस 1, तो इसके डिनोमिनेटर में x लगेगा 10x, इसके डिनोमिनेटर में x लगेगा, तब जाके हम रिजल्ट लगा पाएंगे। log 1 प्लस x, इसके डिनोमिनेटर में x लगेगा, तो इतनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब इनके डिनोमिनेटर में x लगेगा और इसके डिनोमिनेटर में sin x लगेगा। तो इतना काम पहले कर देते हैं। Therefore, L is equal to limit, L is equal to limit x tends to 0 numerator 3 power sin x minus 1 upon sin x, क्योंकि यहां पावर में sin x है तो इसके डिनोमिनेटर में sin x, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा sin x, ये सब हुआ न्यूमरेटर में, क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर को देखो 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x हमने किया, तो इसको बैलेंस भी कर देते इनटू 10 x अपॉन x, तो इसको बैलेंस कर लेते। और ये काम किया जा सकता है, x टेंस टू 0 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, तो ये हमने लाया इनटू x, एस x tends to 0, therefore x is not equal to 0, तो ये काम क्या कर सकते हैं। Also sin x is, therefore sin x is also not equal to 0, जब x not equal to 0 है तो sin x भी 0 नहीं होगा, तो sin x से भी divide और multiply किया जा सकता है। This is, ये सब चला कर दिल में, this is limit x tends to 0, अब इसको थोड़ा ठीक करो, तो 3 power sin x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, इसका क्यूब इंटू साइन एक्स का क्यूब। अब देखो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स सब डिनोमिनेटर में, तो एक्स क्यूब हो गया, तो उसको इसके साथ एडजस्ट कर देते, तो इसको लिखते समय साइन एक्स अपॉन एक्स का क्यूब लिख दिया, 1 2 3 इसके साथ एडजस्ट हो गया, अपॉन
थ्री पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाते जाते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, हम यही कर देते, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूले लगाते लॉग थ्री क्यूब रहेगा बाहर, वन का क्यूब इसका लिमिट लॉग थ्री टेन एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो लिमिट वन लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स एक्स टेंस टू जीरो लिमिट वन। लॉग थ्री का क्यूब है और लॉग थ्री है तो एक डिवाइड हो गया, तो देयर फोर एल इज इक्वल टू लॉग थ्री का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 159 क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर देन फाइंड लिमिट एफ ऑफ आर प्लस एच माइनस एफ ऑफ आर अपॉन एच एच टेंस टू जीरो। ये चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन चैप्टर 9, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के ऐसे ही लिमिट्स को इवेल्युएट करके फाइंड किए जाते हैं। तो यहां इस प्रॉब्लम से नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है ऐसा हम समझ सकते हैं। क्या करना है देखिए, गिवन दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहां पर एफ ऑफ आर प्लस एच की रिक्वायरमेंट है, एच टेंस टू जीरो कहा है मतलब एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो एफ ऑफ आर प्लस एच लिख लेते हैं, आर को रिप्लेस कर दो आर प्लस एच से, इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, पाई आर स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो देयरफॉर एफ ऑफ आर प्लस जितना जितना पहले से सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना बेटर है, नहीं तो हर बार हमको पूरा लिमिट लिमिट लगाते हुए चलना पड़ता है। तो जितना पहले एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर ले और फिर डायरेक्ट लिमिट के फॉर्म में रखकर उसको इवेल्यूएट करें, एफ ऑफ आर प्लस एच माइनस एफ ऑफ आर पाए आर स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर माइनस पाए आर स्क्वायर, तो पाए कॉमन आर स्क्वायर प्लस टू आर एच प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो हो गया, पाए टू आर एच प्लस एच स्क्वायर इसमें से एच कॉमन दिखता है, पाए एच कॉमन टू आर प्लस एच, ये हो गया एफ ऑफ आर प्लस एच माइनस एफ ऑफ आर। अब लिमिट में आ जाते हैं, नाउ इसको नाम एल दे दिया, यदि एल इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ आर प्लस एच माइनस एफ ऑफ आर अपॉन एच एच टेंस टू जीरो, इम्प्लाई एल इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एक्सप्रेशन फाइंड किया है हमने, पुट करो पाई एच टू आर प्लस एच अपॉन एच बाय टू, वैल्यू पुट कर दो, एच टेंस टू जीरो है मतलब एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एच डिवाइड किया जा सकता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो बच गया पाई टू आर प्लस एच, एज एच टेंस टू जीरो देयरफॉर एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमने डिवाइड किया उसको। अब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, यानी वन है, तो डायरेक्ट लिमिट से इवेल्यूएट हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है टू आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट एच टेंस टू जीरो, सो आंसर इज टू पाई आर और पाई इंटू टू आर। तो जब पाई आर स्क्वायर है फंक्शन, तो इस पैटर्न से जब हमने इवेल्यूएट किया तो फाइनल आंसर इज टू पाई आर। इसी तरह के एक्सप्रेशन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और इस तरह से जब इवेल्यूएट करते हैं लिमिट को तो वो कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम
डिटेल में देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम के साथ कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की शुरुआत हो गई, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे आपकी तरफ से, कुछ डाउटफुल क्वेश्चन सॉल्व हो गए और अच्छा क्वेश्चन था ये, डिफरेंशिएशन भी शुरू हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।